हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आप एक्सेल में जो है बिल इनवॉइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्मेट है। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में यहाँ पर बिल नंबर, नेम ऑफ आइटम्स, क्वान्टिटी, प्राइस और अमाउंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये डाटा है। तो अब यहाँ पर इन डाटा का सबसे पहले आपको टोटल निकाल कर बताऊँगा। यहाँ पर इसको इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, फिर आप यहाँ पर ऑटो सम के ऊपर क्लिक कर कर भी इसका टोटल कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, आल्ट इज इक्वल टू आपको प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर इसका टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको इसका 5% डिस्काउंट निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू आपको टाइप करना है और यहाँ पर टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करना है, इनटू प्रेस कर 5% इस तरीके से टाइप कीजिए, फिर आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 291,000 का जो 5% डिस्काउंट है, 14,550 रुपीज़ आ गया है। तो अब यहाँ पर आपको इसका डिस्काउंट निकाल कर आपको नेट अमाउंट आना है यहाँ पर। तो आपको जो है नेट अमाउंट में इज इक्वल टू प्रेस कीजिए, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर टोटल अमाउंट को सेलेक्ट कर माइनस प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको डिस्काउंट को जो है सेलेक्ट करना है इस तरीके से, फिर आप इंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर डिस्काउंट आ गया है। तो इसी तरीके से जो है आप इजीली बिल इनवॉइस में एक्सेल में आप इजीली डिस्काउंट निकाल सकते हैं। आपके पास जितने भी परसेंट है, 5%, 10%, 15%, तो आप यहाँ पर इसका डिस्काउंट जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके डिटेल में भी बताऊंगा, आप पर्टिकुलर एक एक आइटम पर जो है डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।